बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम माय डियर स्टूडेंट्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट लेक्चर इंट्रोडक्शन आपके लिए बिल्कुल इजी वे में मैं प्रेजेंट करता हूँ तो बेटा जो वर्ड ऑर्गेनिक है ना ऑर्गेनिक का मतलब होता है रिलेटेड विद लाइफ जो लाइफ से लिंक हो लाइफ से रिलेटेड हो उसे ऑर्गेनिक कह देते हैं जैसे ऑर्गेनिक फूड्स हैं ऑर्गेनिक फूड उन्हें कहते हैं जो एनिमल्स और प्लांट्स हमें मिलती हैं, नेचुरल सोर्सेस से मिलती हैं बड़ा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी पहले साइंटिस्ट का ये बिलीव था कि नेचुरल सोर्सेस ही बस आते हैं एनिमल्स और प्लांट्स से ही मिलते हैं इनको हम खुद से लैब में इनऑर्गेनिक कंपाउंड से प्रिपेयर नहीं कर सकते ये बिलीव कि ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ नेचुरल सोर्सेस से ही आएंगे खुद नहीं बनाए जा सकते द बिलीव इज नोन एज वर्टल फोर्स थियरी वॉट इज वायटल फोर्स थीरी दैट बिलीव दैट वी कैनॉट प्रिपेयर ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेटिकली इन द लेबोरेटरी बट दे आर ओनली ओबेन फ्राम द नेचुरल सोर्स लाइक एनिमल्स एंड प्लांट्स एंड दिस कंसेप्ट वाइटल फोर्स थीरी वॉज प्रपोज बाय जेकोब ब्रजिलियस बाद में जो फ्रेडरिक वुलर एक साइंटिस्ट था जर्मन साइंटिस्ट उसने कहा बस कर दें ऑर्गेनिक कंपाउंड कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिनको प्रिपेयर ही ना किया जा सके बट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को फ्रेडरिक वुलर ने कहा कि सिंथेटिकली प्रिपेयर किया जा सकता है कैसे उसने एक कंपाउंड यूरिया बना लिया एक्चुअली वो यूरिया बना नहीं रहा था वो तो एक अमोनियम सायानेट पे वर्किंग कर रहा था अमोनियम सायाट ए जी सी एन ओ सिल्वर सायानेट और अमोनियम क्लोराइड वो रिएक्शन करवा रहा था तो उस रिएक्शन में सिल्वर सायानेट का और अमोनियम क्लोराइड का जब रिएक्शन हुआ उसमें अमोनियम सायनेट फॉर्म हुआ लेकिन उसकी फर्दर हीटिंग से अमोनियम सायानेट ब्रेक होके यूरिया में चेंज हो गया एन एच फोर सी एन ओ अमोनियम सायानेट है इट वॉज डिकम्पोस्ड इन टू यूरिया तो जब ये यूरिया में चेंज हो गया ना तो उसने कहा ये तो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो एनिमल्स और जो डिफरेंट एनिमल्स हैं उनकी यूरिन में होता और ये किसी वाइटल फोर्स की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी मुझे किसी एनिमल और प्लांट सोर्स की जरूरत नहीं पड़ी ये तो मैंने सिंपली अमोनियम साइनेट्स ही बना लिया सो ही रिजेक्टेड द वाइटल फोर्स सी और उसके बाद तो फिर मिलियन मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंडस को प्रिपेयर किया जाने लगा ठीक है जी तो इसमें ना अभी जो मैंने डिस्कस किया बेटा दो बातें आपने जहन में रख लेनी है नंबर वन द वर्ड ऑर्गेनिक इज लिंक्ड आर रिलेटेड विद लाइफ नंबर टू Vital force theory has been rejected, and that vital force theory was the belief that we cannot prepare organic compounds in the laboratory synthetically, but organic compounds are only obtained from animal and plant sources. Number three, rejection of vital force theory. R vital force theory was rejected by Frederick Wuller when he first time synthesized urea from ammonium cyanate. He was actually working on the reaction between silver cyanate and ammonium chloride during this reaction silver chloride and ammonium cyanate was formed ammonium cyanate on further heating was transformed or rearranged into an organic compound urea urea is that organic compound which was found in the urine of mammals animals ठीक है बेटा तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह आपके साथ डिस्कस करेंगे कि आर्गेनिक कंपाउंड्स की सबसे मेन प्रॉपर्टी क्या होती है आर्गेनिक कंपाउंड का सबसे मेन फीचर क्या होता है ठीक है बेटा टिल देन अल्लाह हाफिज खुश रहें दुआ में याद रखें तो बेटा आपसे अगले लेक्चर में फिर मुलाकात होती है